नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्रोग्राम शिक्षा सिटी पे। तो आज जो हम सेशन आपको प्रेजेंट करने वाले हैं वो 15 जून फर्स्ट सेट के क्वेश्चन से थोड़ा लेट हूँ मैं, थोड़ा क्या थोड़ा ज़्यादा ही लेट हूँ, लेकिन क्वेश्चन आपके लिए ज़रूरी हैं और मैं रात को सारे सेट के क्वेश्चन को मर्ज करके कोशिश करूँगा एक और लंबी वीडियो प्रेजेंट कर दूँ, जिससे आपके आने वाले सेशन में आने वाले एग्जाम्स के लिए, ग्रुप डी के लिए भी खास करके और अलग सेट के लिए भी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता। अगर आप मेरे करंट अफेयर के सेशन देखते होंगे तो वहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन बताया था आपको कि किसने जीता, तो वो जीता समीर बनर्जी ने। जूनियर है ये, ध्यान रखिएगा, जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप समीर बनर्जी ने ही जीता। एक नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि विंबलडन जीता किसने था, तो इस बार जितने भी आपके 2021 में जितने भी आपके हुए थे, सिर्फ यूएस ओपन को छोड़ करके, सब जो है वो नोवाक जोकोविच ने जीता, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो या फिर फ्रेंच ओपन हो या फिर विंबलडन हो। ठीक है, सब किसने जीता, तो वो जीता था नोवाक जोकोविच ने, मेल, जो कि आपको पूछा जा सकता है। हरित क्रांति का सबसे अधिक फायदा किसको हुआ, गेहूं और चावल को। तो ध्यान रखिएगा, बेसिकली खाद्यान्न के लिए चलाई गई थी हरित क्रांति। ठीक है, फादर पूछा जाएगा तो विश्व में पूछा जाएगा तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, और इंडिया में पूछा जाएगा तो एम एस स्वामीनाथन जी हो जाएंगे, जो कि जाना जाता है। इसमें सबसे अधिक फायदा किसको हुआ, किस फसल को, तो गेहूं चावल में भी गेहूं को सबसे अधिक फायदा हुआ था, लेकिन ऑप्शन में आपको दोनों ही था। ठीक है, भारत का कौन सा तेल उत्पादन स्थान है, तो वो हो जाएगा बॉम्बे हाई, जो कि अब जो है कि अब महाराष्ट्र हाई के नाम से जाना जाता है, मुंबई हाई के नाम से। गिर किस राज्य में स्थित हो जाएगा, वो गुजरात में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। गिर पूछा गया आपको, एक नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपको। कई सारे नेशनल पार्क मैंने बता रखे हैं, इंदर किला आपको बता रखा है, हिमाचल प्रदेश जो कि पूछा गया था, पिन वैली भी वहीं पे हो जाएगा, फ्लावर वैली पूछा जाएगा तो यूके हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें, वनसड़ा पूछा जाएगा तो गुजरात हो जाएगा, सरिस्का पूछा जाएगा राजस्थान हो जाएगा, बेतला पूछा जाएगा झारखंड हो जाएगा, बांदीपुर पूछा जाएगा कर्नाटका हो जाएगा, बांधवगढ़ पूछा जाएगा तो एमपी हो जाएगा। ये सब मैंने आपको नेशनल पार्क पढ़ा रखे हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी, राजा राम मोहन राय ने। अभी अगर आप देखेंगे तो कल या परसों मैंने जितने भी आपके जितने भी समाज या जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हमारे हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में बनाए गए, उन सारे के बारे में मैंने सेशन प्रेजेंट कर रखा है, अगर आप देखेंगे तो वहीं से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया, तो रशिया से लिया गया, सब मैंने आपको बता रखा है। मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज पूछा जाएगा तो टोटल 11 हैं, 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है, स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया, तो स्वर्ण सिंह कमेटी, ये भी मैंने आपको बता रखा हुआ है जो कि आपको पूछा जा सकता है। प्लस फंडामेंटल अगर राइट्स पूछा जाएगा, यूएसए से लिया गया। सिंगल सिटीजनशिप पूछा जाएगा, ब्रिटेन से लिया गया। पार्लियामेंट्री सिस्टम पूछा जाएगा, यूके से लिया गया। डीपीएसपी पूछा जाएगा तो वो हमने लिया हुआ है आयरलैंड से, पढ़ा रखा है मैंने आपको। अगर पूछा जाएगा कि गवर्नर पोस्ट कहाँ से ली है, कनाडा से ली हुई है। समवर्ती सूची पूछा जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से ली हुई है, ये भी मैंने पढ़ा रखा है। इमरजेंसी पूछा जाएगा तो जर्मनी से लिया गया है। अगर पूछा जाएगा आपको कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहाँ से लिया, साउथ अफ्रीका से लिया, ये भी पढ़ा रखा हुआ है आपको। सारे क्वेश्चन आपको पढ़ा रखा है, सिर्फ आपको सेशन जा करके देखने की जरूरत है। और ध्यान रखिएगा, ये जो आप सेशन देख रहे हैं इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी आपको रेलवे पेपर रिव्यूज़ की, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट पूछा जा सकता है आपको, वहाँ से आपको क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल देखने को मिल जाएंगे आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के में, क्योंकि ये क्वेश्चन जो रिव्यू वाले हैं वो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस वजह से। ठीक है, उसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन है कि MIS जो है आपका पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए लैंड से संबंधित हो जाएगा MIS, गिरिराज सिंह जी के द्वारा लॉन्च किया गया, और ये गिरिराज सिंह जी के पास कौन सा मंत्रालय है, तो ध्यान रखिएगा विलेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है वो किसके पास आ गई है, तो वो आ गई है गिरिराज सिंह जी के पास इस बार के कैबिनेट मिनिस्ट्री में। और ये जो आपका मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो वो गिरिराज सिंह जी के द्वारा ही लॉन्च किया गया, जो कि आपका एक भूमि अधिग्रहण परियोजना से संबंधित है। किसान कालीन माठ मंदिर के में पाया जाने वाला शाही मूर्तियां किस राज्य से संबंधित है, उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश के मथुरा से, जो कि पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन है। कई बार पूछा गया, पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध की पहली मूर्तियां कहाँ पाई गई थी, तो वो भी मथुरा में ही पाई गई थी, गांधार शैली में मैंने पढ़ा रखा है। और किसान वंश के शासक जो थे वो बौद्ध धर्म को फॉलो भी करते थे, चौथी बौद्ध संगीति भी कनिष्क ने कराई थी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPAGTM किसके द्वारा लॉन्च करेगी, DRDO, लगातार DRDO से क्वेश्चन आ रहा है। शांत आपको जो है हेलीकॉप्टर भी पूछा जा सकता है, प्लस पिनाका मिसाइल आपको पूछी गई, सारे ही पूछे जा रहे हैं आपको। DRDO ध्यान रखिएगा 1958 में स्टैब्लिश हुआ है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म हो जाएगा और हेडक्वार्टर हो जाएगा दिल्ली में। भारत के मुनि नाट्य शास्त्र में वाद्य यंत्र को कितने समूहों में वर्गीकृत किया गया, चार समूहों में किया गया। ये देखिए क्वेश्चन आपको
थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके पूछ रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ा करके पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चंस आपको बन रहे हैं, ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है आपको कितने समूहों में किया गया, तो चार समूहों में किया गया। पहला आपका ताल वाद्य हो जाएगा, फिर ठोस वाद्य हो जाएगा, वायु वाद्य हो जाएगा और तार वाद्य हो जाएगा। उनको भी अलग अलग शब्दों में दिया गया, जैसे अवनद्य वाद्य हो गया, धन वाद्य हो गया, सुधीर वाद्य हो गया और तत्व वाद्य हो गया। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एक दो पूछे जा रहे हैं जो कि आपको मे भी टफ पड़े। ठीक है, तो नाट्यशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? भरत मुनि के द्वारा लिखा गया। ये उम्मीद थी कि ये क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए था आपको। अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? संघ लोक सेवा आयोग से हो जाएगा, यूपीएससी से हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है, अगर वही 312 पूछा जाता तो अखिल सेवा से, अखिल भारतीय सेवा से हो जाता, ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है वो भी क्वेश्चन आगे चल के। 12 अगस्त 2021 तक नीरज चोपड़ा की रैंक क्या आती? तो नीरज चोपड़ा की रैंक देखिए सेकंड थी, ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है, फिर गोल्ड मेडल हमको इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में दिलाया, वो भी आपको पूछा गया था, क्वेश्चन बन सकता था, पूछा जाएगा आपको। और 7 अगस्त को हम जैवलिन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 87.58 जो है इनकी हाईएस्ट इन्होंने जो जैवलिन फेंका था, अब इन्होंने इस रिकॉर्ड को भी अभी रिसेंटली आज तोड़ दिया है, तो वो भी पूछा, इन फ्यूचर पूछा जाएगा, आज तो नहीं पूछा जाएगा। कौन सी नदी अरावली से निकलती है और कक्ष के रन में विलुप्त होती हो जाती है? वो हो जाएगा लूनी। किस राज्य का लिंगानुपात 1084 है? सबको पता होगा कि केरला का जेंडर रेशियो सबसे अच्छा है। 2000 से पहले गरीबी उन्मूलन के लिए कौन सी सेवा शुरू करी गई थी? देखिए पूछा गया 2000 से पहले, ठीक है, तो ये शुरू करी गई थी 1999 में, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, जो कि कंफर्म पूछा जाने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि आपको एक फ्लैगशिप स्कीम पूछा जा रहा है। ठीक है, स्मारक स्थान और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में? देखिए कल ही मैंने आपको जब डीपीएसपी के बारे में बताया था, तो इसका भी जिक्र किया था कि प्रोटेक्शन ऑफ, अगर पूछा जाएगा मॉन्यूमेंट्स को किस आर्टिकल में रखा गया है, तो 49वें आर्टिकल में रखा गया। 50वें में भी मैंने आपको मेंशन किया गया था कि जुडिशरी को रखा गया है, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच सेपरेशन को रखा गया है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो जाएगा नवी मुंबई, ध्यान रखिएगा। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में होगा? 214वें आर्टिकल में होगा। लगातार पूछा जाएगा, फॉर्मेशन पूछा जाएगा तो 216 में हो जाएगा। अगर नियुक्ति पूछा जाएगा 217 में हो जाएगा, ये भी मैंने आपको बता रखा है। 219 में शपथ बताया था आपको, वो भी पूछा जा सकता है। ये सारे क्वेश्चन देखिए आपको बन सकते हैं उच्च न्यायालयों से संबंधित। तानसेन सम्मान किसे दिया गया? पंडित सतीश व्यास जी को दिया गया। पूछा जा सकता है आपके सितार वादक हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, हाँ, जो है कि सतीश व्यास जी से। और देखिए, और सितार, सॉरी संतूर वादक होंगे, सितार नहीं, ठीक है। और क्वेश्चन बन सकता है आपको, जैसे अगर आपको पूछा जाएगा कि इस बार मूर्ति देवी पुरस्कार किसको दिया गया? विश्वनाथ तिवारी को दिया गया। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? दामोदर मौजी को दिया गया, ठीक है। 56वां पूछा जाएगा तो नीलमणि फूकन को दिया गया, ये सब मैंने पढ़ा रखा है। 17वां नृत्य किस शताब्दी से? 15वीं शताब्दी से। किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है, पहले भी पढ़ाया जा चुका है। पूछा गया कि तेज और अधिक समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? एम था। 11वीं पंचवर्षीय योजना किसके समय में करी गई थी? मनमोहन सिंह जी के समय में करी गई थी। ध्यान रखिएगा टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई हैं। पहली चलाई गई थी 1951 से 56 में, और 12वीं चलाई गई थी 2012 से 17 तक चलाई गई थी। उसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया गया। पहली हेराल्ड डॉमर मॉडल पे बेस थी, दूसरी पीसी महालनोबिस पे बेस थी, तीसरी डिवाई कारगिल पे बेस थी। उसके बाद योजना अवकाश कर दिया गया 1969-70 में, जो कि आपको पूछा जा सकता है। प्लानिंग, अगर पूछा जाएगा प्लानिंग हॉलीडे कब किया गया था, किस जो है कि पंचवर्षीय योजना के बाद, तो तीसरी के बाद। 5वीं पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भर बनो प्लस गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, उद्देश्य आत्मनिर्भरता का था, जो कि पूछा जा सकता है। इंदिरा गांधी जी के द्वारा लीड करा गया था और 4 साल ही चला था 5वीं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना में फिर से पढ़ा दूंगा आपको जल्दी। यूनियन बजट बेसिकली पूछा गया कि ईयरली आपका जो हमारा बजट है उसका किस आर्टिकल में मेंशन किया गया? तो 112 में मेंशन किया गया, 110 में मैंने आपको मनी बिल बता रखा है, 117 में फाइनेंस बिल बता रखा है। ये सब क्वेश्चंस आपको आगे चल करके पूछे जा सकते हैं। कौन सा एशिया का बंदरगाह नहीं है? पोर्ट ऑफ रोटरडम, जो कि कहाँ पे हो जाएगा? नीदरलैंड में हो जाएगा। ऑप्शन में बहुत सारे थे, जापान से भी था आई थिंक, पोर्ट ऑफ ओसाका, ओसाका तो सबको ही पता होगा। कंदारिया महादेव मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित है? चंदेल वंश के द्वारा। कहाँ पे है? तो एमपी में है। कंदारिया महादेव मंदिर ध्यान रखिएगा एमपी में हो जाएगा। दशावतराम मंदिर पूछा जाएगा तो आपका यूपी में हो जाएगा। दासराम मंदिर पूछा जाएगा तो आपका तमिलनाडु में हो जाएगा। ये सब क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको। दूसरे सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में है? तो देखिए अफ्रीका महाद्वीप में। दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या पूछा गया है कि किस महाद्वीप में, तो जो है कि अफ्रीका महाद्वीप में लगभग 59.4% समथिंग है, ठीक है, सॉरी एशिया में सबसे अधिक 60% अगर पूछा जाएगा, तो उसके बाद अफ्रीका में 17.20 सबसे अधिक कहाँ है 60%, वो हो जाएगा
आपका सारे महाद्वीपों में एशिया में, उसके बाद दूसरे नंबर पे 17 लगभग अप्रॉक्स 17.5 के 17.5% तक आपका अफ्रीका में हो जाएगा, यूरोप में लगभग 10% तक है। तो ये सब पूछा जा सकता है आपको आगे चल करके कि पहले नंबर पे कौन है या फिर कितनी प्रतिशतता है एशियन एशियन कॉन्टिनेंट की, तो वो हो जाएगा 59 पॉइंट समथिंग है, यानी 59.5 कह सकते हैं, उसके आसपास जो है प्रतिशतता हो जाएगी। इसराइल में किस जाति की संख्या अधिक है? तो देखिए पूछा गया कि इसराइल में कि, तो यहाँ ध्यान रखिएगा यहूदी कर लीजिएगा, आपको पता है कि यहूदी बहुत हैं इसराइल में जो कि आपको पूछे जा सकते हैं, लगभग आपके 90% वहाँ पे यहूदी हैं। करंट में पूछा जाएगा नेफ्ताली बेनेट यहाँ के पीएम हो जाएंगे, आइजेक हर्जोग गवर्नर हो जाएंगे, पूछा जा सकता है आपको। भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है? किराना घराने से संबंधित है। रंगमा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड से संबंधित है। हॉर्नबिल फेस्टिवल भी, मीठा खीरा भी आपका नागालैंड से ही संबंधित है जो कि पूछा जा सकता है। सरहुल किस राज्य का किस राज्य से संबंधित है? तो सरहुल पर्व झारखंड में सेलिब्रेट किया जाता है, ध्यान रखिएगा। पूछा जाएगा पाइका डांस पूछा जाएगा, तो वो भी झारखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। ग्रीन ऊर्जा अवार्ड पूछा गया था कि इस बार किसको दिया गया? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ग्रीन ऊर्जा अवार्ड बेसिकली जो दिया गया है वो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरेडा को दिया गया, ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है, जो कि भारतीय चैंबर कॉमर्स के द्वारा 2021 में दिया गया था, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा हुआ है। एक नंबर का क्वेश्चन है, रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन ऊर्जा अवार्ड इरेडा को दिया गया है, ठीक है। एसडीआई रैंकिंग में भारत डेवलपिंग कंट्री है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि एसडीआई रैंकिंग में जो है कि भारत को किस किस कैटेगरी में रखा गया, तो डेवलपिंग कंट्री में रखा गया, और 131 रैंक हो जाएगी भारत की। एसडीआई रैंकिंग पूछा जाएगा और यूएनडीपी के द्वारा रिलीज किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा 1965 में ये स्टैब्लिश हुआ है और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा अगर पूछा गया तो। और एसडीआई रैंकिंग 1999 में आपका जो है कि इसको लॉन्च किया गया था। एसडीजी अवार्ड अगर पूछा जाएगा किस एसडीजी अवार्ड किस पीएम को दिया गया, तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अवार्ड जो है वो शेख हसीना जी को दिया गया है। एसडीजी अवार्ड किस राज्य को अगर इंडिया में पूछा जाएगा तो वो केरला को दिया गया है, पूछा जा सकता है आपको। एंजल फॉल्स किस देश में? वेनेजुएला। वेनेजुएला की कैपिटल पूछी जाती है कराकस, ठीक है। निकोलस माद्रो यहाँ के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। किस राज्य में एससी जनजाति सबसे अधिक है? तो वो पंजाब में। एसटी पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश में, और एसटी जनजाति जो है पंजाब में बिल्कुल नहीं है, तो पूछा जा सकता है। कल देखिए पूछा गया था आपको कि किस जो है कि राज्य में एसटी जनजाति नहीं, एसटी पूछा गया था, तो वो पंजाब था। सबसे अधिक आपकी एमपी में हो जाएगी। एससी जनजाति पूछा जाएगा तो वो पंजाब में हो जाएगी। तांबे की माइन पूछा गया था कहाँ पे हो जाएगा, तो वो हो जाएगा खेतड़ी में। खेतड़ी जो है आपको पूछा जा सकता है, और ये गुजरात नहीं होगा, यहाँ पे गलती से गुजरात लिख दिया गया है, ये खेतड़ी राजस्थान कर लीजिएगा, ठीक है। ये गुजरात नहीं होगा, गुजरात गलत है, खेतड़ी कहाँ हो जाएगा? राजस्थान। तांबे की माइन जो कि आपको पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये आज के क्वेश्चन, तो उम्मीद करता हूँ जो भी डिटेल्स आपको दी गई हैं वो आप इसको नोट डाउन करेंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में कुछ और क्वेश्चन के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए।